जो हु है, हु का मतलब होता है कौन और whom का मतलब होता है किसको। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन इसलिए है कि जो ग्रामेरियन है वो इनमें क्लियर फर्क करते हैं, लेकिन यूज हु का whom की जगह इतना ज्यादा हो गया है कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। बल्कि जहां हु होना चाहिए वहां तो हु का यूज हो ही रहा है, जहां हू होना चाहिए उसकी जगह भी बहुत बार हु का यूज हो रहा है और इतना यूज हो रहा है कि लोगों ने उसको गलत कहना बंद कर दिया। हु का मतलब किसको है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दिया, आपको किसने मारा, हु बीट, इसका मतलब है आपको किसने मारा, आपने किसको मारा, ये अगर कहना हो तो हु डिड यू बीट। ये ऐसा वाक्य है जिसमें हु आना चाहिए यहां पर, क्योंकि किसको कह रहे हैं, किसको मारा। ग्रामेरियन इसको यहां पर हुम लिख रही हूं, बनाएगा हुम डिड यू बीट। इन तीनों में फर्क है, इन दो का अर्थ एक ही है, दोनों में से आप इसको भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं माना। बेटर तो ये है कि आप ये लिखें, और इन दो का जो मीनिंग है एक और इसका जो मीनिंग है उसमें फर्क है। इसका मीनिंग है कि तुमने किसको मारा, तुमने, यहां पर यू सब्जेक्ट है, यहां पर यू ऑब्जेक्ट, तुमने किसको मारा, और ये हुम तो ऑब्जेक्ट है ही, एक तो ये फर्क। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप whom की जगह तो who यूज कर सकते हो, यानी जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो whom की जगह who चल जाएगा, लेकिन जहां आप एज सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वहां पर whom नहीं चलेगा, वहां आपको who ही लिखना होगा जहां सब्जेक्ट के रूप। अब पता कैसे चले वाक्य में कि ये जो हु है ये एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है या एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। देखिए मोटी पहचान ये कि जब एज सब्जेक्ट यूज होगा तो इसके बाद में ऑक्सिलरी नहीं आएगी, और अगर एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसके बाद ऑक्सिलरी आएगी। जैसे हु आया उसके बाद सीधी मेन वर्ब, और इसमें सीधी मेन वर्ब नहीं आई, मेन वर्ब यहां आई है और यहां पर आपकी ओरिजिन। ये मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा हु और whom का डिफरेंस। इसलिए आप खोज का पहले बता देता हूं मैं, खोज का मतलब होता है किसको। अच्छा whom में और who के यूज में एक चीज अभी छूट गई है, मैं अभी आपको बता दू। अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं और साथ में प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तब आपको whom ही लगाना है। जैसे तुम किसके साथ गए थे, तो ये किसके जो है ये यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। हु डिड यू गो विद, हु डिड यू गो विद, ये
ही लगा रहे हैं, तो वो प्रेपोजिशन हूं के साथ लग सकती है, हूं के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। हू के साथ प्रेपोजिशन लगानी है तो आप एंड में लगाएंगे। ये भी फर्क हू और हूं में है। अब हूज, हूज का मतलब होता है किस, किसका, किसका, किसकी या किसके। जैसे ये बिल्लियां किसकी हैं, हूज कैट्स आर दीज, ये बिल्लियां किसकी, हूज कैट्स आर दीज। तो ये हूज है, ये मेरे ख्याल से इतना इतना टेढ़ा नहीं है कि इस पर और ज्यादा टाइम लगाया जाए। ऊज का मतलब होता है किसका, किसके या किसके। अब जो आपका मेन बचा है वो विच और व्हाट, ये समझने बहुत जरूरी है। ये विच और व्हाट का यूज व्हाट के बीच में एज रिलेटिव प्रोनाउन हमने पहले किया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आज करेंगे, यानी वाक्य के शुरू में लगा के इससे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएं वो हम आज देखें। इन दोनों का अर्थ होता है कौन सा। जैसे तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, What book have you read? इसका मतलब है कि तुमने कौन सी किताब पढ़ी। और अगर आपके बीच ग्रामर के हिसाब से ये भी वाक्य ठीक है, लेकिन ये अलग अलग संदर्भ में दोनों यूज होंगे। जब आपकी चॉइस लिमिटेड हो, लिमिटेड चॉइस हो, तब आप विच यूज करेंगे। जब वाइडर चॉइस हो, असीमित हो, तब आप व्हाट यूज करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि व्हाट बुक हैव यू रेड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, इसका मतलब बहुत सारी किताबें हो सकती हैं जिनमें से ये बताएगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि विच बुक हैव यू रेड, इसका मतलब आपके सामने या उस आदमी के पास कुछ गिनी चुनी किताबें हैं जिनका आपको भी पता है और जिससे पूछा गया है उसको भी पता है कि कौन कौन सी किताबों में से पूछा जा रहा है, तब आप विच कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछे कि आज सुबह तुमने क्या खाया था, वो आदमी बिल्कुल आपके लिए अजनबी है और उसने कुछ भी खाया हो सकता है, तो आप पूछेंगे व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग टुडे। लेकिन आपके घर का ही सदस्य है और आपको बताया कि या तो इसने केला खाया होगा या इसने संतरा खाया होगा, तो आप पूछेंगे विच फ्रूट डिड यू ईट, यानी गिने चुने थी, आपके पास चॉइस ज्यादा नहीं थी, उन्हीं में से सीमित चॉइस थी, उन्हीं में से आप पूछे। इसी तरह से अगर आपके घर आए कोई आदमी और खातिरदारी करने के लिए आप पूछें कि आप क्या लेना पसंद, What will you like to have? जब आपने ये पूछा कि What will you like to have? अब उस आदमी को कुछ आइडिया नहीं है कि आप क्या क्या दे सकते हैं, और वो आदमी कहे कि मैं तो सत्तू लूंगा। अब सत्तू तो आपके पास है ही, तो वो ये पूछेगा कि क्या क्या है,
What do you have? या which are the choices? What are the choices? तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मान लिया आपके घर में जूस भी है, आपके घर में कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, चाय भी है, कॉफी भी है, तब आप पूछ सकते थे we have tea, coffee, juice, cold drinks, which will you like to have? वहां पर आप which या पूछेंगे which thing will you drink? Tea, coffee, cold drink और वगैरह वगैरह। जब आप गिन चुन जैसे होटल में जाते हैं, मेरा पूछता वो गिनवाता है ये क्या लेंगे, अब कोई इतनी तेजी से बोलता है कि याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से एक लिमिटेड चॉइस देता है। तो वहां पर जो शब्द अगर वो अंग्रेजी में बोलता तो वो विच बोलेगा, विच सब्जी, विच वेजिटेबल विच लाइक टू है। तो विच जब लिमिटेड चॉइस हो और व्हाट जब असीमित चॉइस, तो ये विच और व्हाट का फर्क है। और जो व्हेन है ये एडवर्ब आ गया, यहां पर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे। व्हेन का मतलब होता है कहां, जैसे सॉरी व्हेन का मतलब होता है कब, आप कब नहाओगे, व्हेन विल यू टेक ए बाथ। वेयर का मतलब होता है कहां, जो इसके साथ गलती से बता दिया था, वेयर का मतलब कहां, तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो। ये देखिए बहुत सिंपल है, हम पहली क्लास से ही करते आए हैं इनका यूज, लेकिन डिटेल में अभी देखेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे तुम किसी ने कहा कि मैं तो बेंगलोर जाऊं, तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, मतलब बाई एयर जाओगे, बाई ट्रेन जाओगे या बाई कार जाओगे, वहां पर हाउ यूज होगा। हाउ मच का मतलब है कितने, और हाउ मैनी का मतलब है कितने। हाउ मच का यूज उन चीजों के लिए होता है जो गिनी ना जा सकती हो, और हाउ मैनी का यूज उन चीजों के लिए जो गिनी जा सकती है, जैसे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। हाउ मच मिल्क डू यू हैव, मिल्क पूछ रहे हैं तो हाउ मच, चीनी पूछ रहे हैं तो हाउ मच। तो हाउ मच जो नॉन काउंटेबल है, हाउ मेनी जो काउंटेबल। एक मोटे तौर पे एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि जब आप कहते हैं हु इज योर फादर, तो इसका मतलब है कि आप उनके फादर का नाम पूछें, वो बताएंगे श्री मोहनलाल इज माय फादर। जब आप पूछते हैं व्हाट इज योर फादर, तो आप उनका व्यवसाय पूछ रहे हैं। तो हु और व्हाट में ये भी, इसी तरह से आपसे कोई पूछे फोन पे बात हुई है जैसे, तो उधर से पूछते हैं कि भाई हु आर यू, इसका मतलब आपका नाम पूछ रहे हैं। कहने का ये कह रहे हैं कि हियर आर थ्री बुक्स, विच बुक डू यू लाइक, डू यू थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। देखिए इसने थ्री लिख दिया यहाँ पर, इसका मतलब लिमिटेड चॉइस है, लिमिटेड चॉइस है तो इसलिए यहाँ पर विच बुक आया। इसी तरह से अगला, दे हैव फोर बॉयज, लिमिटेड चॉइस है फोर, तो विच बॉय यहां पर आया। अगला, आई कांट रिमेंबर विच हाउस जेनेट लिव्स इन, कि जेनेट किस घर में रहती है। अब घर हैं तो उसके कितने घर होंगे, गिने चुने ही होंगे, इसलिए विच लगाया।
विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, तुम किस रेस्टोरेंट में गए थे, रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे इसलिए विच आया। वट फूड डू यू लाइक, तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, अब खाने तो पता नहीं कितने सारे हैं, अनलिमिटेड हैं, इसलिए वट आया। इसी तरह से नौकरियां, आई डोंट नो वट जॉब सी डज, कि वो क्या काम करती है, वट आया। अब कहने का मतलब ये है कि अगर चॉइस लिमिटेड सी हैं, गिनी चुनी सी हैं, तो आपने विच लगाना है, और अगर अनगिनत हैं, कितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, वहां पर आपने वट लगाना। अब देखिए ये कन्वर्सेशन देखिए एग्जांपल नंबर वन में, हैव वी गोट एनी आइसक्रीम इन द फ्रीजर, कि फ्रीजर में कोई आइसक्रीम है, उसने कहा यस वेनिला और स्ट्रॉबेरी। अब ये लिमिटेड चॉइस दे दी इन्होंने, इसलिए यहां पर आ जाएगा विच, विच वुड यू प्रेफर। अगला दूसरा कन्वर्सेशन, हेलो सर पासपोर्ट प्लीज, पासपोर्ट दे दिए, द पर्पज ऑफ योर विजिट, आपके आने का क्या पर्पज है, पर्पज देखो अब कितने सारे भी हो सकते हैं, इसलिए वट, वट इज द पर्पज ऑफ योर विजिट। अगला, ओ आई एम जस्ट विजिटिंग सम फ्रेंड्स, मैं बस दोस्तों के पास आ रहा हूं। अगले कन्वर्सेशन, I grew up in a little town called Lakeworth. मैं Lakeworth में पैदा हुआ। अब उस दूसरे कह रहे हैं, Really? I know Lakeworth. मैं Lakeworth को जानता हूँ। अब देखिए कह रहे हैं कि आप किस स्कूल में गए थे? अब Lakeworth में हैं तो स्कूल गिने चुने ही होंगे। इसलिए which? Which school did you go to? अगला, I really need to see you tomorrow or on Thursday. मुझे तुम्हें कल या थर्सडे को जरूर मिलना है, ये अर्जेंट है। अच्छा जी अर्जेंट है, तो दूसरे ने क्या कहा, वेल either day is okay, दोनों में से कोई से दिन भी, दोनों दिन ओके है मेरे लिए। Which day is best for you, तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है। अब देखिए दो दिन थे ऊपर, चॉइस लिमिटेड थी, तो विच, विच डे इज बेस्ट फॉर यू। अगला, व्हाट इज योर फेवरेट काइंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक तो अब पता नहीं कितने काइंड के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इसलिए व्हाट, व्हाट इज योर फेवरेट काइंड ऑफ म्यूजिक, वेल आई लव म्यूजिक फ्रॉम द 60s, 60s का था, उससे मैं प्यार करता हूँ, आई एम ए बिग फैन ऑफ बीटल्स, बीटल्स का बिग फैन हूँ। अच्छा अब उसने क्या कहा, वेल आई लव म्यूजिक फ्रॉम 60s, मैं भी 60s का, आई एम ए बिग फैन ऑफ बीटल्स, बीटल्स का बिग फैन हूँ। अब वो कहता है मी थू, मैं भी हूँ। अब जब वो भी बीटल्स का है, वो भी बीटल्स का है, तो वो एल्बम पूछ रहे हैं, एल्बम अब देखो गिनी चुनी सी ही हो जाएंगी, तो यहां पर विच, विच इज योर फेवरेट एल्बम। अगला, अगली कन्वर्सेशन, कैन आई हेल्प यू, आर यू हियर फॉर द न्यू इंग्लिश क्लास, कोई बच्चा ऐसे घूम रहा था, उसने पूछा कि न्यू इंग्लिश क्लास के लिए हो क्या, दैट्स राइट बट आई डोंट नो, किस कमरे में जाऊं, मुझे नहीं पता कि मैं किस कमरे में जाऊं, हम कमरे हैं स्कूल में तो गिने चुने ही होंगे ना, इसलिए विच, विच रूम टू गो टू, कि मैं किस कमरे में जाऊं ये मुझे पता नहीं है। अगला, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू पेयर ऑफ जीन्स, ब्लू वंस, फाइन साइज आर यू लुकिंग फॉर, तुम्हारा कौन सा साइज चाहिए, अब साइज भी तो गिने चुने ही होते हैं ना भाई, इसलिए विच आएगा, विच साइज आर यू लुकिंग फॉर। अगला, Did they eat in the morning? यहां पर उन्होंने सुबह क्या खाया? What? What did they eat in the morning? Papers do you read? तुम कौन से पेपर पढ़ते हो? पेपर भी दुनिया भर के हैं। What papers do you read? Of them is the best. उनमें से कौन सबसे अच्छा है? अब देखिए इन्होंने लिमिटेड चॉइस दे दी कि जो तुम पढ़ते हो उनमें कौन सा अच्छा है? Which of them? अगला, Did you go with? तुम किसके साथ गए? तो
तुम किसके साथ गए थे? हु डिड यू गो विथ? हु मैंने बताया था वहां पर आपको कि जो हु है और हुम ये दोनों बदल जाते हैं, दोनों यानी हु की जगह हुम और हुम की जगह हु भी लग जाता है, लेकिन हु के साथ हुम हुम लगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट हुम के साथ हु लग जाता है। तो यहां पर क्या था, हुम आना चाहिए था और उसकी जगह अब क्योंकि ज्यादा लोग यूज करते हैं इसलिए हु भी ठीक ही माना जाएगा, पर सही में तो हु माना चाहिए इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब है। मैंने ये भी बताया था कि अगर मेन वर्ब आ रही है उसके बाद तो फिर तो हमेशा ही आपने हु ही लगाना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है ऑक्सिलरी आ रही है तो फिर हु या हु में से कोई सा भी आप लगा सकते हो। अगला है विद, डिड यू गो। अब इसमें प्रेपोजिशन पहले आ गई तो अब इसके साथ आपको हुम लगाना ही पड़ेगा, विद हुम डिड यू गो। डू यू वॉन्ट टू स्पीक टू, तुम किससे बात करना चाहते हो? तो यहां पर हु या हुम उनमें से कोई सा आप लगा सकते हो। अगला, आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर लाल, मैं मिस्टर लाल से बात करना चाहता हूं। अब उसने क्या कहा, वी हैव थ्री लाल्स, हमारे पास तो तीन है इस नाम के आदमी। डू यू मीन, तुम विच डू यू मीन, विच आएगा क्योंकि तीन हो गए लिमिटेड हो गए। विल यू हैव टू ड्रिंक, तुम क्या लोगे पीने के लिए, व्हाट, लिमिटेड चॉइस नहीं है, व्हाट विल यू हैव टू ड्रिंक। विल यू ड्रिंक, तुम क्या पियोगे, टी कॉफी और जूस, अब ये लिमिटेड चॉइस है इसलिए यहां विच आ जाएगा। विच विल यू हैव टू ड्रिंक, अब ये है, डिड यू बीट और हु बीट यू, तुम्हें किसने मारा, हु बीट यू, एंड यहां पर हु और हुम दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसके बाद, और यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, मेन वर्ब आ रही है, इसलिए यहां पर कोई चॉइस नहीं है, हु ही लगेगा, और यहां पर हु और हुम में से कोई सा भी लग सकता है। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन खत्म हुए। थैंक यू डियर, अब बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट लफ।